इस वार्ड में मैं देख रहा हूं कि काफी पत्थर से इधर से उधर नालियों को ढका नहीं गया है सुरक्षित तरीके से, नालियां यूं बेतरतीब ढंग से हैं, ऐसा क्यों है? यह वार्ड में कोई भी काम जनप्रतिनिधि का काम करने के योग्य कोई पुरुष नहीं है जी, इसलिए हम लोग उनसे किसी तरह का उपेक्षा नहीं रखते हैं जी। हमारे जुझारू कर्मठ संघर्षशील योग पुरुष हमारे धर्मेंद्र भैया और चुन्ना भैया हैं और हम लोग इन्हीं के साथ हैं। इसी के साथ जय हिंद। तो इस बार आप लोग इनके लिए ही समर्थन में उतर गए हैं सड़क जी, तन मन धन से इनके आप साथ बताइए क्या कहते हैं सर, इन्होंने सही कहा? इन्होंने सही कहा है जी। और चुन्ना यादव उर्फ धर्मेंद्र जी जी समाज में अपने बलबूते से जी धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते हैं जी। बभनी घाट में एक मंदिर का निर्माण अपने फंड से किया, अपने पैसे से किया इन्होंने जी। नदी में सूरज, बभनी घाट में सूरज का अर्घ नहीं देने जाते थे लोग, शीतला भीतर जाते थे जी। इनकी सौजन्य से जी, इनकी पर्सनल व्यक्तिगत मेहनत से आज लाखों लोग वहाँ सूरज का अर्घ देने के लिए जाते हैं जी। ये इनकी मेहरबानी है जी। और हम जिनसे अपेक्षा करते हैं कि इस बार जीत करके मोहल्ला का विकास करें, नाली गली और पानी का व्यवस्था करें। बताइए सर आप, बताइए इस वार्ड में क्या क्या समस्या है? समस्या धर्मेंद्र जी और चुना जी जी, आप ये आप कम से कम ये 80 से ये संघर्षशील हैं जी। और इनके पति जो है ये अपने मैट्रिक पास सर्टिफिकेट से जी निकाल करके जी, और इन्होंने वैष्णो माई मंदिर का निर्माण किया जी। ये सत्य है जी। और आगे जो बवनी घाट में सूर्य भगवान का अर्घ जो पड़ता है जी, उसके लिए ये है से इन्हीं का देन है जी। इन्होंने तो ही आप ये बताना चाह रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव जी ने काफ़ी काम किया जी, आप भी कुछ बताइए जो उनका कोई काम हो जो अन्य लोगों ने नहीं बताया। 40 वार्ड के जितने भी जनता हैं जी, उनको इनसे बहुत उम्मीद है और हम लोग अगर चाह रहे हैं कि 39 नंबर वार्ड में ये आएँ और जनता के लिए काम करें, चूँकि ये आगे भी बहुत तरह का कार्य जो है करते आ रहे हैं और करने का मतलब हौसला है इनके अंदर, जज्बा है जी। और बहुत तरह का समस्या है, इससे पहले जो वार्ड पार्षद थे हमारा कार्ड को जला दिया गया, कोई दिया नहीं भैया, हम भी गरीब आदमी हैं, जबकि हम कई बार सूचित किए 100 बार कि भाई हमारा भी कुछ निदान किया जाए, हम ठेला चलाते हैं। तो जो भी वार्ड पार्षद हैं हमने उनसे भी कहा और उनसे जो पहले थे उनसे भी कहा, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है जी। आप बताइए। हम भैया 25 साल के रेंटर हैं जी, मेरे माँ का विद्या पेंशन बना वो नहीं मिला, ना ही लाल कार्ड ना ही पीला कार्ड, सिर्फ आधार कार्ड मेरे पास है। और रह गया भैया के वाली बात है ये कि हम जब भी कुछ ऐसा काम बोलते हैं तो भैया हमारे लिए खड़ा हो जाते हैं जी। चुना भैया जी, चुना भैया खड़े हो जाते हैं कोई भी कार्य में बोलते हैं जी। तो धार्मिक कार्य में जैसे श्री राम जी का जुलूस हो या वैष्णो माँ का अथी हो, किसी भी कार्य में हम क्या इस बार उनकी जीत पक्की आप सुनिश्चित कर रहे हैं क्या? तो होनी चाहिए जी। आप बताइए अंकल क्या है समस्या और कौन इसके लिए योग्य उम्मीदवार हैं आपके इस वार्ड 39 वार्ड में? तो अभी चुना ज्यादा बढ़ी है, उम्मीद तो है ऐसा जी। पहले से संजय सिन्हा थे जो हमारे वार्ड में आज तक न हमको कार्ड मिला जी, और नहीं तो 2-3 दफे गए हैं उनको दरवाजा पर मगर नहीं मिला था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का पूरा हुजूम है, जो पूर्व के जो वार्ड पार्षद हैं उनके विरोध में लोग मीडिया से बातें कर रहे हैं। राजेश कुमार, बिहार न्यूज़.इन।